आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स इज 0.3, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.3 है और सरफेस ए बी इज स्मूथ, और ये वाली सरफेस जो है स्मूथ है। ठीक है, अब मेरे को कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें बताना कौन कौन से ऑप्शन। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालनी मेरे को, एक्चुअली निकालनी ही पड़ेगी। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन 3 kg मास इज ग्रेटर देन 2 kg मास, देखते हैं T2 ज़्यादा है या T1 ज़्यादा है। 10 kg मास इज सो द नेट फोर्स इट शुड, ओके तो अब मेरे को निकालना 10 kg वाले मास का नेट फोर्स क्या इनसे ज़्यादा है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी अगर मैं ए और टी की वैल्यू निकाल लूँ। ठीक है, बाकी सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए FBD बनाऊंगा और कुछ नहीं। देखिए 10g नीचे और T2 ऊपर, तो यहाँ से जो इक्वेशन आई वो क्या आई आपकी, 10 नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा, तो मान ली इसके एक्सेलरेशन ए इधर है, तो 3 kg बाद देखिए रस्सी सेम है, तो इधर हो जाएगी ए की तरफ, और ये भी रस्सी सेम, मतलब ये भी ए की रस्सी से कनेक्टेड है, यानी कि इसका एक्सेलरेशन ए इस डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, सो 10g माइनस T2 इज इक्वल टू 10a, इसके इक्वेशन लिखूँ तो टी इधर और T2 है, ये T2 इधर, T1 इधर। ठीक है, और ये सरफेस तो स्मूथ है, और एक फोर्स लगेगा इसको फ्रिक्शन का, क्योंकि ये इधर स्लिप होने की टेंडेंसी रख रहा था, तो 3 kg वाले ब्लॉक को एक इधर के लिए फोर्स लगेगा जो कि ऊपर 20, क्योंकि इसका नॉर्मल फोर्स 20 के इक्वल होगा, 20 μ जितना से फोर्स लगेगा, तो म्यू की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ 0.3, तो ये हो जाएगा आपका 6 N के इक्वल। ठीक है, 6 N का एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा। तो अगर मैं 3 kg वाले ब्लॉक का FBD से इक्वेशन लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो T2 माइनस T1 माइनस 6 इज इक्वल टू 3 है, ये वैल्यू आ गई यहाँ से, इक्वेशन 2 बोल देता हूँ उसे, और एक और बस इक्वेशन लिखनी है 2 kg वाले ब्लॉक की। ठीक है, तो अगर 2 kg वाले ब्लॉक ने 3 kg वाले ब्लॉक को इधर के लिए पुश करा था, फ्रिक्शन फोर्स है ना, तो ये 2 kg वाले ब्लॉक ने तो प्रोवाइड कराया था जिसके वैल्यू थे 6 N, तो 2 kg ब्लॉक पे 3 N सॉलिड लॉ से इस डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा 6 N के इक्वल, तो यहाँ से जो क्वेश्चन आई वो आई T1 माइनस 6 इज इक्वल टू 2a, है ना। ये क्वेश्चन 3 बोल देता हूँ मैं। अब देखिए, अब मेरे को एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए, तो मैं कौन कौन सी इक्वेशन यूज करूँ, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ, इन दोनों इक्वेशन को, तो T2 माइनस, एक्चुअली तीनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ मैं, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दूँ मैं, तो जो मेरी इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएंगी 10g T2 से T2 कैंसिल, ठीक है, T1 से T1 कैंसिल, माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12 इज इक्वल्स टू, सबको ऐड करूँगा तो 15 है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू तो आ गई आपकी, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 100 माइनस 12 क्या होगा, 100 माइनस 12 आपको देगा 88/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं एक्सेलरेशन की क्या है, दे रखा था ऑप्शन 88/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन 3 kg मास इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 2 kg मास, हाँ तो ये ऑप्शन आपका ठीक है। ठीक है, इसमें मेरे को चेक करने की जरूरत भी नहीं है कि क्या क्या इसकी मतलब क्या क्या फोर्सेज लग रहे हैं नेट फोर्स, क्यों, क्योंकि देखिए इसकी भी एक्सेलरेशन सेम है, इसकी भी एक्सेलरेशन सेम है, इस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो है 3 है, इस पर जो नेट फोर्स लगेगा 2 है, तो ऑब्वियसली 3 इज ग्रेटर देन 2 है ना। टेंशन T2 इज ग्रेटर देन T1, अब ये बात आती है कि T2 बड़ी है कि T1 बड़ी है। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि इस पे जो मेरे 3 kg ब्लॉक पे नेट फोर्सेस क्या क्या लग रहे थे, T2 माइनस T1 माइनस 6, तो आप देख सकते हैं जो T2 है और ये जो 3 है ये पॉजिटिव नंबर दे रहा है, ये जो है ये एक पॉजिटिव नंबर देगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं T2 इस वाली क्वांटिटी से बड़ा होना चाहिए, इस वाली क्वांटिटी से बड़ा होना चाहिए, तभी तो हमारा जो नेट जो हमारा नंबर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, यानी कि T2 शुड बी ग्रेटर देन, एक्चुअली इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं और अच्छे से लिखूंगा तो ये आ जाएगा T1 प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0, है ना, क्योंकि ये जो 3 है ये ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से जो T2 है वो ग्रेटर देन T1 प्लस 6 आ गया, तो ऑब्वियसली T2 इज ग्रेटर देन T1। Since 10 kg mass is accelerated downwards, so the net force on it should be greater than any, no. इस पे हाँ, obviously इस पे जो हमारा net force है वो 10A के equal है, ठीक है, लेकिन ये क्यों, इसलिए थोड़ा ना कि ये accelerate downward कर रहा है इसलिए इसका जो force है net force वो ज़्यादा है, ना ना ना, reason गलत है, statement ठीक है, okay, तो
आपके ये चार ऑप्शन मैंने देख लिया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।